ये दो चाबियां देखिए हमारी की हैं। भारत कांस्टेबल, यही चाल चलकर आपने मुझे घर से बाहर निकाला था, आज खुद अपने जाल में फंस गई। यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी वो बोर हो रहे थे घर पे ना, तो हम लोग घूमने आ गए थे। हाँ मम्मी, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए थे। और ये देखिए, मामी ने मुझे आइसक्रीम भी लेकर दी। क्या हो गया? कुछ नहीं, चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। इसका मतलब है कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया था, अगर कौन कर सकता है ऐसा मजाक? और क्यों? किचन
मधुरा जी, आपके नाम सारी जायदाद ट्रांसफर हो चुकी है। अगले हफ्ते तक कागजात तैयार हो जाएंगे। मतलब दीदी के नाम पर पूरी जायदाद हो गई है तो हमें वापस नहीं मिल सकती क्या किसी तरीके से? पता, मगर कोई ना कोई रास्ता तो होगा। रास्ता तो है चिनू, हमें किसी ना किसी तरह दी के दस्तखत करवाने पड़ेंगे। पता, ये तो आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। दीदी कभी नहीं मानेंगी साइन करने के लिए। जानता हूं वो साइन नहीं करेगी। हाँ, अगर हम उनसे किसी तरकीब से साइन करवा ले, मतलब आज तक जिस तरह वो अपने काम करते आई है, धोखे से? धोखे से? आ गई है क्या? कुछ और सिग्नेचर्स बाकी है? मैनेजर साहब, आपको सारी चीजें लास्ट मिनट पर ही क्यों याद आती है? एनीवेज, आप डॉक्यूमेंट घर पे भेज दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। एंड मेक इट फास्ट। मैंने कहा था शंभुनाथ जी हमारी मदद जरूर करेंगे। शायद अब हमें तरीका मिल गया। चलो अब हम गेम खेलेंगे। गेम? ओके। हाँ, गेम खेलेंगे। रुको ना। अच्छा, लड़का पार्टी इधर, लड़की पार्टी उधर। चलो चलो आजा भरत, फास्ट फास्ट, हम्टी डम्टी एक साथ। चलो, गेम का नाम है दमशा राज। ओके, अब सबसे पहले मुझे कौन बोलेगा? मैं। चल, वेरी गुड। बता, हाँ मुझे पता है, तुम वहां बैठो, मैं साइन करके देती हूँ। सागर बेटा, तुम लोग बाहर जाके खेलो, दी को कुछ काम करना है ना। दी प्लीज, हम खेल रहे हैं, प्लीज सागर, हम यही खेलेंगे, प्लीज। ओके, नहीं चीटिंग होगी। बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आया, बिजली गिरा। ये क्या बात तुम्हें जागर, तुम्हें पता कितने इंपॉर्टेंट पेपर है ये? सॉरी सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है, मैं बहुत जरूरी काम कर रही थी और तुमने देखा तुमने क्या किया। मैं भी उठा देता हूँ, आई एम सॉरी। चल चलो उठाओ, चलो चलो। इट्स ओके, प्लीज हेल्प चीनू। उठा रहे हैं। उठा लिया, चलो ये उठा दे। थैंक यू। ये सॉरी। थैंक यू, तुम खेलो। ओके, चल 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 चल, इधर इधर तू भी उठ। अच्छा, कुछ सोच अभी। शबनम का बुढ़ापा, मस्त पिक्चर है। अच्छा, तेरे लिए है।
ऐसे ऐसे मूवी का नाम है पूछ रहा हूँ। ये लोग कोई बता नहीं पा रहे कि एक मूवी थी हनीमून इन जंगल, उसमें हनीमून क्या सागर सागर आई डोंट नो सागर मुझे नहीं पता सागर शट अप। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, तुम देख रहे हो मैं जरूरी काम कर रही हूँ। शट अप, एक काम मुझे ढंग से करने नहीं देते हो तुम। सुनो यहाँ पर आओ प्लीज सागर, एक मिनट जस्ट गिव मी वन। ये पेपर साइन हो गए, मैनेजर साहब को देना और कहना कि मुझे फोन करें। सागर दी को इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो कि दी को तुम्हें डांटना पड़े? I'm sorry, मैं फिर से नहीं डांटूंगी। Promise? दी मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब मैं हर गेम जीतूंगा और कल एक नया गेम खेलेंगे हम, वो भी मैं जीतूंगा, आप देखना। ये रहा हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ा पहला कदम, हमारी पहली जीत। कंग्रेचुलेशन, मुबारक आपको। आपको कम से कम अब सारी जायदाद दी के चंगुल से निकल चुकी है। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा दी को सारी दुनिया के सामने एक्सपोज करना, सारी दुनिया के सामने। तब मगर ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। जानता हूं, कल मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाए। पुलिस थाने क्यों आए हो? यादव, सागर, नमस्ते भाभी जी, आइए अंदर आइए। यादव और मैं हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। जब मुझे पता लगा कि यादव एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है तो मुझे लगा कि इस केस को हैंडल करने के लिए इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। सागर ने मुझे बताया कि अब तक क्या हुआ है। मैंने भी सागर पे हुए सारे एक्सीडेंट केसेस पढ़े हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि हम सिंदूरा सिंह को कैसे जकड़ सकते हैं। सारे केसेस स्टडी करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अभी तक हमारे पास सिंदूरा सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, और सबूत के बिना तो कोई केस भी नहीं बनता। पर यादव, मुझे सब कुछ साफ साफ याद आ गया है, तो मैं कोर्ट में खड़े होकर अकेले सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कह सकता? बिल्कुल बोल सकते हो, पर उससे होगा क्या? सिंदूरा सिंह भी अपना सच बोलेगी, और वैसे भी जो इल्जाम तुम उन पे लगाने जा रहे हो उन इल्जामों की सजा तो पहले ही अनिकेत सिंह काट रहे हैं। ये साबित करने के लिए कि अनिकेत सिंह गुनाहगार नहीं है और सिंदूरा सिंह गुनाहगार हैं, हमें ठोस सबूत चाहिए। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर तो लगता है कि सिंदूरा सिंह का इकबाले बयान ही उनके खिलाफ उनके जुर्म का सबूत बनेगा।
इकबाले बयान ये नामुमकिन है। दीदी कभी भी इकबाले बयान नहीं देगी। ये बात तो सही है, दी इकबाले बयान कभी नहीं देगी। हाँ, अगर उन्हें मजबूर किया जाए तो कुछ हो सकता है। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने बार बार किसी ना किसी चाल से बेगुनाहों को फंसाया है, तो क्या बेगुनाह किसी ना किसी चाल से दी के गुनाहों का पर्दाफाश नहीं कर सकते? बस बस बहुत हो चुका। इनफैक्ट हमें अपनी चाल जल्द चलनी होगी, इससे पहले कि दी को हमारा खेल समझ में आए। वी हैव टू बी रियली फास्ट एंड रियली स्मार्ट। इनफैक्ट स्मार्ट है ना। पर चाल क्या है आपकी? हम दी को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। जो जो पैतरे उन्होंने हमारे साथ अपनाए, हम उनके साथ अपनाएंगे। सबूत ही चाहिए ना, तो हम सबूत पैदा करेंगे। हाँ विद्या, हम सबूत पैदा करेंगे। झूठे सबूत पैदा करके उन्होंने अनिकेत जीजू को फंसाया, हम भी झूठे सबूत पैदा करेंगे और उन्हें फंसाएंगे। इतनी बुरी तरह फंसाएंगे कि उन्हें अपना इकबाले बयान देने के लिए हम मजबूर कर देंगे। विद्या, दिमाग में एक तरकीब तो है। शायद इसके लिए हमें किसी बाहर वाले की मदद लेनी होगी। आदफ, चलो जी साहब जी, थैंक यू। अगर छुट्टी मिली गई सानू है जी। कैसे हो आप लोग? आप यहाँ क्या बताएं प्रजा जी, साड़ा तो कुछ ऐसे ही नहीं रहता है। प्रजा जी और सागर भाई साहब, आप दोनों को साथ देखकर ना बहुत चंगा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची आपको मालूम है ये जो प्रजा ही है ना, जिंदगी में ऐसी पतिव्रता मैंने औरत देखी नहीं है। ये आपकी खातिर ना दुनिया के किसी भी छोर पे जा सकती है। और ये जो डीजे है ना, डीजे ये टेढ़ा था एकदम, इसको सीधा करने में भी इसी औरत का हाथ है। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद ना, पर किसी औरत का पैर छूने का मन किया ना मेरा, तो ये प्रजा ही है। लेकिन क्या है ना कि उम्र में छोटी है ना, इसलिए छूता नहीं हूं। भाई साहब, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप समझ गया, वही सिंदूरा जी। हाँ जी, बाज नहीं आई। हाँ जी, अभी भी जान के पीछे लगी है इनकी। हाँ, बस अब ज्यादा नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि वो कौन है जो हमारी मदद कर सकता है। मदद जो है ना, तुसी लोग के सामने खड़ी है और आप महाराज इधर उधर देख रहे हो। मुझे भी हिसाब चुकाना है कुछ सिंदूरा जी से। आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम आपके साथ हैं।
कंधे से कंधा मिला के चलेगा ये डीजे। बस आप बताओ जी करना क्या है, कैसे करना है ये डीजे डिसाइड करेगा। आपने एक बात देखी, हमें कभी भी मदद की जरूरत होती है शंभुनाथ जी किसी ना किसी को भेज ही देते हैं हमारे लिए। भाई साहब आपकी इस मदद के लिए हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। ठीक है तो अब हमारे साथ डीजे भी है और यादव भी। सॉरी सागर, मैं डायरेक्टली तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कानूनी रास्ते में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक फोन कर देना, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है सागर। बस तुम सिंदूरा का एक बाले बयान ला दो फिर उसे सजा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू सो मच, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम सिंदूरा प्रताप सिंह का एक बाले बयान लाकर तुम्हें देंगे, बहुत जल्द।